नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। हथियार के बल पर अपहरण किए गए व्यक्ति को सकुशल बरामद करके तीन आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में प्रयोग एक रिवाल्वर, तीन जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन भी पुलिस ने उनसे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी को एक महिला ने पुलिस चौकी बार गुजर गुरुग्राम में शिकायत दी थी कि तीन व्यक्तियों द्वारा उसके लड़के मनोज कुमार को M3M सोसाइटी से अपहरण किया गया है। इस शिकायत पर थाना खेड़की दौला गुरुग्राम पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। SI ललित कुमार प्रभारी अपराध शाखा मानेसर गुरुग्राम की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 फरवरी को ही वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों के, जिनके नाम संदीप उर्फ काला, मोहित व कुणाल को दबोच लिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी 42 वर्षीय सपेरा सोनीपत निवासी संदीप, 28 वर्षीय प्रकाश धीर सोनीपत मोहित को व तीसरे आरोपी 23 वर्षीय कुणाल को हसनियारपुर तिहाड़ कला सोनीपत से गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी संदीप उर्फ काला ने करीब 3 साल पहले अपने भांजे को बैंक में नौकरी लगाने के लिए अपनी जमीन बेचकर 15 लाख रुपए अपहरण किए गए मनोज को दिए थे, किंतु मनोज द्वारा न तो उसके भांजे को नौकरी लगाई गई, न ही रुपए वापस किए गए। रुपए वापस न देने के कारण मनोज ने पहले अपनी कार हुंडई i20 उक्त आरोपी संदीप उर्फ काले को दे दी, परंतु कार देने के बाद भी मनोज की तरफ आरोपी संदीप के करीब 8.5 लाख रुपए बकाया थे। मनोज इसके बकाया रुपए नहीं दे रहा था और इससे छुपकर नौरंगपुर में एक सोसाइटी में रह रहा था। रुपए के लेन देन के चलते 1 फरवरी को M3M सोसाइटी नौरंगपुर के पास से आरोपी संदीप उर्फ काले ने मनोज की i20 कार, जो उसने रुपए के बदले करीब 2 साल पहले आरोपी संदीप को दी थी, उसने अपने साथी कुणाल व मोहित के लाइसेंसी हथियार के बल पर मनोज का अपहरण कर सोनीपत ले गए, जहां से पुलिस ने इनका पीछा करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में गुरुग्राम ACP क्राइम श्री वरुण दहिया ने प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये खेड़की दौला के नौरंगपुर एरिया है, हमारा M3M सोसाइटी है, वहाँ का एक घटनाक्रम है। बार गुजर पुलिस पोस्ट लगती है खेड़की दौला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। इसमें मनोज नाम का जो एक विक्टिम है उसको किडनैप करा गया है 1 फरवरी को 3 अज्ञात लोगों द्वारा, और जब उसकी गहनता से जाँच करना शुरू हुआ, केस रजिस्टर्ड करा गया खेड़की दौला पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उसके अंदर जो हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज हैं ललित, उन्होंने एक टीम गठित करी और तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो किडनैपर्स थे तीन, उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो मनोज है, वो जो पीड़ित है, उसने काफ़ी कुछ समय पहले, काफ़ी साल पहले, जो एक्यूज्ड पक्ष है उसमें तीन एक्यूज्ड हैं, बेसिकली एक संदीप, मोहित और कुणाल, ये तीनों ही सोनीपत के रिहायशी हैं, और संदीप के साथ लेन देन का मैटर था जो पीड़ित मनोज है। मनोज ने संदीप के किसी भांजे को नौकरी लगाने के एवज में 15 लाख रुपए के लगभग एक अमाउंट लिया था कुछ साल पहले, और उस अमाउंट को वापस नहीं लौटा पाया। उस एवज में संदीप ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया।